जैव विविधता और नैसर्गिक खूबसूरती से भरपूर मेघालय महज पर्यटन स्थल भर नहीं है, बल्कि यहाँ के जैविक कृषि उत्पाद देश दुनिया में खास पहचान बना चुके हैं। बीते कुछ सालों से मेघालय विदेशी फल स्ट्रॉबेरी उत्पादन के क्षेत्र में उभर रहा है। मेघालय के रीभोई और ईस्ट खासी हिल्स जिले में बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत सबसे पहले सोहलिया गांव के प्रगतिशील किसान ओ लिनखोई ने की। आज मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव स्ट्रॉबेरी गांव के नाम से खास मुकाम पा चुका है। ओ लिनखोई बताते हैं कि 2002 में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और राजधानी शिलोंग जाकर इसे बेचना शुरू किया। राज्य और केंद्र सरकार के संज्ञान में आने पर लिनखोई को टेक्नोलॉजी मिशन के तहत मदद मिली। राज्य सरकार ने तकनीक प्रशिक्षण और स्ट्रॉबेरी के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए और आज स्थिति यह है कि सोहलिया के कुल 68 परिवारों के 500 से ज्यादा लोग स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ चुके हैं। पहले यहाँ सिर्फ धान, आलू और अन्य सब्जियाँ उगाई जाती थी, लेकिन अब पारंपरिक खेती के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाने से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा है। स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने 2004 में उमसनिंग में देवलिया फार्म की स्थापना की। इसके साथ ही यहाँ C2C एग्रीकल्चर बिजनेस की शुरुआत हुई। यह व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी सफल मॉडल बनकर उभरा। यहाँ समय समय पर कई प्रयोग भी होते हैं ताकि किसानों को हर संभव मदद मिल सके। इंडिया में तो हमारा होलसेल खाली गुवाहाटी है और गुवाहाटी से डिग बॉय जोरहाट कलकत्ता दिल्ली वो लोग भेजता है और हमारा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 to 40 टन हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। और हम लोग के उधर 5 महीना स्ट्रॉबेरी मिलता है। 2007 में क्षेत्रीय विकास और स्ट्रॉबेरी के बेहतर विपणन के लिए रीभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। इस क्षेत्र के किसान पोस्ट हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग जैसे कार्य एसोसिएशन के तहत कर रहे हैं। साल 2010 में रूरल बिजनेस हब की स्थापना की गई। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी के साथ मिलकर रीभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन के जरिए स्ट्रॉबेरी किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। 2008 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिले लोन की मदद से यहां स्कूल भवन, कोल्ड स्टोरेज और स्ट्रॉबेरी गोदामों का निर्माण किया गया है, जिसका असर क्षेत्र के विकास में साफ तौर पर देखा जा सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ICAR स्ट्रॉबेरी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके तहत स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सीजन खत्म होने पर भी किया जा सकता है। मेघालय सरकार और रीभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हर साल वैलेंटाइन डे पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाने की शुरुआत की है, जिसमें स्थानीय लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। सोहलिया गांव के स्ट्रॉबेरी गांव बनने के बाद अब हॉर्टी इको एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में भी यह स्थान खासा पहचान बना चुका है। इसके तहत पर्यटकों के लिए माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, पेनबॉल शूटिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां यहां होने लगी हैं। इसके अलावा गांव में ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है, जहां सपरिवार आकर रुका जा सकता है। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं और तकनीकी मदद से किस तरह से जनजातीय लोग न सिर्फ स्ट्रॉबेरी उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि पर्यटन मानचित्र में भी यह सुदूरवर्ती क्षेत्र उभर रहा है।